दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में लेटेस्ट मूवी जिसका नाम है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, जिसमें शाहिद कपूर और कृति सैनन लीड रोल में हैं। और ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम आर्यन नाम के लड़के को देखते हैं जो कि एक रोबोटिक्स इंजीनियर होता है और वो अपनी कंपनी में सबसे बेस्ट है जिसकी हर कोई तारीफ करता है। फिर हमें पता चलता है कि आर्यन के घर वाले उसकी किसी भी हाल में शादी करवाना चाहते हैं क्योंकि आर्यन अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है, इसलिए उसके घर वाले उसकी शादी के पीछे पड़े हैं। पर आर्यन शादी करने से मना करता है। आज आर्यन ने एक सपना भी देखा था कि उसकी शादी एक रोबोट से हुई है जिसको देखने से वो काफी ज्यादा डर गया था। साथ ही आर्यन काम के सिलसिले में मुंबई में रहता है और उसके घर वाले दिल्ली में। अब आर्यन तैयार होकर अपने ऑफिस जाता है जहाँ आर्यन की मीटिंग उसकी बॉस उर्मिला से होती है और यहाँ पता चलता है कि उर्मिला आर्यन की बॉस के साथ साथ उसकी मौसी भी हैं। उर्मिला यूएसए में रहती हैं और वहीं से ये कंपनी संभालती हैं। तो वो आर्यन से कहती है कि मैं नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आर्यन यूएसए आए, जिसके बाद आर्यन तुरंत यूएसए चला जाता है। अब आर्यन यूएसए की कंपनी में जाता है तो वहाँ वो रोबोट देखकर काफी ज्यादा शौक में था और उर्मिला कहती है कि तुम यहाँ आए हो तो इस काम को देख देख कर सीखो और इसके बारे में और जानो। फिर वो कहते हैं कि तुम्हारी मदद के लिए मैंने एक असिस्टेंट दी है जो कि तुम्हारे यूएसए वाले घर में है और अब तुम्हें अगर कोई जरूरत होगी तो अपने असिस्टेंट से ही कहना क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। अब आर्यन अपने घर जाता है तो वहाँ उसे उसकी असिस्टेंट मिलती है जो कि काफी सुंदर थी और उसका नाम सिप्रा था। आर्यन तो सिप्रा को देखते ही उस पर लट्टू हो जाता है। फिर सिप्रा आर्यन की हर काम में मदद करती है जैसे कि खाना बनाने से लेकर कपड़े धोने तक सब कुछ, और ये देखकर आर्यन को काफी अच्छा भी लगता है कि ये लड़की अपने हर काम में कितनी परफेक्ट है। अब यहाँ एक वियर्ड चीज होती है कि आर्यन को जो भी चीज पसंद होती है वो सिप्रा को भी पसंद होती है, जैसे कि आर्यन की फेवरेट डिश जो कि सिप्रा की फेवरेट थी, आर्यन का फेवरेट कलर वो भी सिप्रा का फेवरेट होता है, यहाँ तक कि आर्यन का फेवरेट वीडियो गेम भी सिप्रा का फेवरेट वीडियो गेम होता है। अब सिप्रा और आर्यन की बॉन्डिंग अच्छी होती जा रही थी और आर्यन और सिप्रा साथ में खूब घूमते और मजे करते हैं। इसी बीच आर्यन सिप्रा के प्यार में भी पड़ जाता है जो अब तक शादी से भाग रहा था और उसे लगता है कि सिप्रा उसके लिए परफेक्ट मैच है। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और फिर सिप्रा आर्यन से कहती है कि उसकी बैटरी लो है, जो सुनकर आर्यन को फनी लगता है और ये वहीं पर रोमांस करने लगते हैं। अब अगले दिन आर्यन सिप्रा के लिए नाश्ता बनाता है और तभी आर्यन के रूम पर उसकी मासी आती है और आर्यन को काफी एम्बेरेसमेंट फील होती है कि वो कैसे कहे कि मैं सिप्रा से प्यार करता हूँ। तब उर्मिला आर्यन से सिप्रा के बारे में पूछती है तो आर्यन कहता है कि वो तो बीमार है और सो रही है, जिसके बाद उर्मिला सिप्रा को जाकर देखती है जो कि बेहोश पड़ी थी और आर्यन कहता है कि मुझे सिप्रा से प्यार हो गया है। तब जाकर आर्यन की मौसी उसे बताती है कि ये बीमार नहीं हुई बल्कि इसकी बैटरी डाउन हुई है और यहाँ आर्यन को झटका लगता है क्योंकि उसे जिस लड़की से प्यार हुआ था वो ह्यूमन नहीं बल्कि एक रोबोट थी। ये जानकर आर्यन उर्मिला से ही नाराज हो जाता है कि तुमने मुझे यूज किया, वो भी इस रोबोट को चेक करने के लिए। तब उर्मिला उसे समझाती है कि मैं तो चेक कर रही थी कि मेरा रोबोट परफेक्ट है या नहीं। फिर वो बता दे कि इसे मैंने इस तरीके से बनाया है कि वो ना तो सिर्फ ह्यूमन की तरह देखे बल्कि उनकी तरह ही जिए, उनकी तरह ही खाए पिए घूमे और मस्ती करे, और इस रोबोट में ह्यूमंस की तरह इमोशंस भी हैं। फिर वो कह दे कि ये सब एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था जहाँ उन्होंने आर्यन को सिप्रा के साथ रखा था ताकि उन्हें पता चले कि ये सिप्रा ह्यूमंस के साथ रह भी सकती है या नहीं। फिर उर्मिला उसे बताती है कि हमें सिप्रा पर अभी और भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत थी। पर यहाँ तो आर्यन अब इसी दुख में आ गया था कि उसे एक रोबोट से प्यार हो गया और उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता। इसके बाद आर्यन आगे के एक्सपेरिमेंट के लिए मना कर देता है कि मैं सिप्रा से प्यार करता हूँ और मैं इसके पास रहूंगा तो मेरा दिल ही दुखेगा, इसलिए मैं यहाँ से वापस इंडिया जा रहा हूँ, और वो तुरंत इंडिया के लिए रवाना हो जाता है। फिर आर्यन अपने घर दिल्ली जाता है जहाँ आर्यन की माँ उसे एक लड़की से मिलवाती है और आर्यन जो दुखी था वो शादी के लिए तुरंत मान जाता है। अब आर्यन की सगाई भी तय हो जाती है और सगाई वाले दिन आर्यन को एहसास होता है कि वो तो सिप्रा को भूल ही नहीं पा रहा। तब वो वहाँ से भाग जाता है और फिर उर्मिला को फोन करके कहता है कि आप जैसा चाहती हो मैं वैसा ही करने को तैयार हूँ, और वो कहता है कि अगर आपको सिप्रा को इंडिया में लॉन्च करना है तो यहाँ इंडिया में उसकी टेस्टिंग करनी होगी, तभी तो पता चलेगा कि ये सिप्रा इंडियंस के साथ एडजस्ट कर भी पाएगी या नहीं। अब ये आइडिया उसकी मासी को काफी अच्छा लगता है और वो सिप्रा को इंडिया भेज देती है। फिर आर्यन सिप्रा से मिलकर खुश हो जाता है कि उसका प्यार वापस लौट आया। इसके बाद आर्यन सिप्रा को तुरंत अपने घर लाता है और सबसे मिलवा कर कहता है कि मैं इससे प्यार करता हूँ और ये यूएसए में रहती है। फिर वो कहता है कि इसके पेरेंट्स नहीं है यानी ये अनाथ है, जिसके बाद आर्यन की फैमिली सिप्रा को एक्सेप्ट कर लेती है और फिर सिप्रा पूरे परिवार के साथ ही रहने लगती है। अब यहाँ आर्यन ये भी पक्का कर लेता है कि किसी को ये पता ना चल जाए कि सिप्रा इंसान नहीं बल्कि रोबोट है, और वो दिमाग लगाकर सिप्रा की सच्चाई छुपा भी लेता है और सच सामने नहीं आने देता। अब कुछ दिन ऐसे ही अच्छे से बीतते हैं जिसके बाद आर्यन और सिप्रा की एंगेजमेंट होती है और ये दोनों काफी खुश भी होते हैं। अब एक दिन आर्यन का कजन सिप्रा को उसके रूम में देख लेता है जिस समय सिप्रा चार्ज हो रही थी और ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। फिर वो सिप्रा से पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तो सिप्रा के अंदर छुपाने का ख्याल नहीं आता और वो आर्यन के भाई को सब बता देती है,
जिससे सारी सच्चाई अब उसे पता चल गई थी। तब एकदम से आर्यन वहाँ आता है और वो समझ गया था कि ये सच जान चुका है, इसलिए वो अपने भाई को डराता है कि सच बाहर नहीं आना चाहिए, इसलिए आर्यन का कजन भी चुप हो जाता है। अब फिर से सब कुछ नॉर्मल चलता है और फाइनली आर्यन और शिप्रा की शादी का दिन करीब आ जाता है। इसके बाद हम आर्यन के दोस्त को देखते हैं जिसे पूरी सच्चाई पता थी, और वो आर्यन से कहता है कि भाई एक बार फिर सोच ले, तो मेरी मान तो इस रोबोट से शादी मत कर, क्योंकि रोबोट चाहे कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, लेकिन इंसान तो कभी बन ही नहीं सकते ना। यह सुनने के बाद भी आर्यन शिप्रा से ही शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। अब शादी वाले दिन शिप्रा जब अपने आप को चार्ज कर रही होती है, तभी एकदम से लाइट चली जाती है और तुरंत झटके से लाइट आती है, जिसके कारण शिप्रा के सर्किट में प्रॉब्लम हो जाती है और उसका सिस्टम ही खराब हो जाता है। अब इस प्रॉब्लम के कारण शिप्रा पूरी अजीब बिहेव करने लगती है, जैसे कभी कभी तेज बोलना और बोलते बोलते रुक जाना, और वह चलते हुए भी टेढ़ा मेढ़ा चल रही थी। साथ ही शिप्रा उठपटांग काम भी करने लगती है और वह सबके सामने आकर नाचने लगती है। फिर जब आर्यन की बुआ उसे रोकने आती है तो वो आर्यन की बुआ के ही चाटा लगा देती है, जिसको सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर शिप्रा आर्यन के कजन को पकड़ कर छत पर ले जाती है और फिर उसे छत से ही फेंक देती है। हालांकि नीचे गद्दा था जिसके कारण आर्यन का कजन बाल बाल बचता है, लेकिन ये कांड करने के बाद भी शिप्रा नहीं रुकती और वो सबको परेशान कर देती है। तब ये सब देखकर आर्यन गुस्से में उसके पास आता है और फिर उसका बटन ऑफ कर देता है, क्योंकि शिप्रा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब बटन ऑफ होने के बाद भी शिप्रा नहीं रुकती और आर्यन को साइड होने के लिए कहती है, पर आर्यन शिप्रा का हाथ ही नहीं छोड़ता तो शिप्रा एक लोहे की बाल्टी ही आर्यन के सर पर मार देती है, जिससे आर्यन नीचे गिर जाता है। फिर शिप्रा सीधा मंडप में जाती है और वहाँ से जलती हुई लकड़ी से पूरे मंडप में ही आग लगा देती है, जिससे हर तरफ आग ही आग थी। अब ये सब देखकर आर्यन अपनी शादी वाली तलवार के हत्थे से शिप्रा पर अटैक करता है, क्योंकि अगर इसे नहीं रोका तो किसी की जान भी जा सकती थी। अब उस तलवार की चोट से शिप्रा ऑफ होकर नीचे गिर जाती है और ये सब देखकर पूरी फैमिली की जान में जान आती है। अब आर्यन को भी एहसास होता है कि एक रोबोट चाहे कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, लेकिन वो कभी एक इंसान की जगह नहीं ले सकता, वो रहेगा तो रोबोट ही। अब हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आर्यन की मौसी उर्मिला एक लॉन्च इवेंट में शिप्रा को लॉन्च कर देती है और वो उसका नाम शिप्रा 2.0 रखती है, क्योंकि उर्मिला ने शिप्रा के अंदर से सारे माल फंक्शन को ठीक करके उसे नया वर्जन बनाया था। अब इस लॉन्च इवेंट में आर्यन भी मौजूद था, जहाँ उससे अब एक लड़की मिलने आती है, और ये दोनों जब बात कर ही रहे होते हैं तब शिप्रा उस लड़की को घूरने लगती है, जो कि आर्यन का दोस्त नोटिस भी करता है कि एक रोबोट ऐसे कैसे घूर रही है। तब आर्यन का दोस्त उसे ये सब बताता है कि जब तू उस लड़की से बात कर रहा था तो ये तुझे ही देख रही थी और जेलस लग रही थी, लेकिन अब आर्यन इस बात को टालते हुए कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसे रिसेट कर दिया गया है और उसमें मेरी कोई मेमोरी नहीं है, और मशीन तो कभी इंसान बन ही नहीं सकती ना। इसके बाद आर्यन शिप्रा की तरफ देखता है और शिप्रा भी उसे देखकर स्माइल देती है, और ये देखकर आर्यन शॉक हो जाता है कि इसने ऐसा क्यों किया। और यहीं पर ये मूवी एंड होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगला एक्सप्लेनेशन आपको कौन सी मूवी पर चाहिए वो भी कमेंट कर दीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई क्रश वेब सीरीज देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।